कमल जी जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज है। चलिए, काफी कुछ आज आपसे जानकारी प्राप्त होगी मुझे, जो मेरे दिमाग में है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रामचरितमानस आपने कहा था ना, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं उसी के लिए आया हूँ आपको बताने के लिए। बहुत उम्दा, बढ़िया सर, बढ़िया। ज्यादातर जो एक चौपाई है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इस पर लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं और ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने बहुत गलत कहा है, गलत लिखा है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अर्थ नहीं समझ पाते किसी चौपाई या दोहे का, तो उसको अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं, उसमें गलती होती है। जी जी, तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा है। अब ये देखिए, तुलसीदास जी तो उस परंपरा के थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है जी, देवताओं का वास वहीं होता है जी सर। तो इस विचार वाले आदमी क्यों कहेंगे कि औरतों को ताड़ना दिया जाए? जी जी बिल्कुल, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। अच्छा हाँ, और रामचरितमानस में तो एक जगह अयोध्या कांड में, जब भगवान राम कौशल्या माता से आज्ञा लेने जाते हैं कि मैं वन में जा रहा हूँ, तो वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि कौशल्या माता कहती हैं, जो केवल पितु आयसु ताता तव जनि जाहु जानी बड़ी माता। मतलब उनके हिसाब से, तुलसीदास जी के हिसाब से, उन्होंने अपने भावना अपने विचार से लिखा है ना जी। उन्होंने माँ को बड़ा बताया है, पिता से भी ज्यादा महत्व, कि अगर सिर्फ पिता की आज्ञा हो तो मैं कहती हूँ आप मन को मत जाइए। तो जिसने ऐसा महत्व दिया है माता को, वो नारियों की निंदा कैसे कर सकता है? तो इसमें गलती क्या होती है, लोग इसका अर्थ अपने ढंग से निकालते हैं और वो पांच तरह के कहते हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, पांच गिनाते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि पांच को ताड़ना देना चाहिए। पहली बात कि तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा ही नहीं है, हम लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं। वही तो उन्होंने सिर्फ तीन को कहा है। अच्छा हाँ, कौन? ढोल, दूसरा गंवार, शूद्र। हाँ, अलग अलग नहीं। हाँ, गंवार या शूद्र अलग नहीं, गंवार शूद्र एक ही। हाँ, और तीसरा पशुनारी। पशुनारी क्योंकि शूद्र माने मतलब नौकर, जो हमारे यहाँ नौकर काम करने वाले हैं उनको हम क्यों ताड़ना देंगे भाई? हमारा काम करते हैं अच्छे, हमसे भी ज्यादा उस समझ के काम करते हैं, चाहे खेतीबाड़ी का काम हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, चाहे रसोई का काम, कोई भी। तो क्या हम उनको प्रताड़ित करेंगे? नहीं, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं, वो गंवार शूद्र के लिए उन्होंने कहा है। अच्छा अच्छा, जो नौकर जी, जो कर्मचारी जी ठीक बुद्धि का नहीं है, गंवार है, बेकूफ है, ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसको ताड़ना देने का मतलब मारना नहीं है। नहीं, अब जैसे ढोल को पीटा थोड़ा ही आता है, मारा थोड़ा ही नहीं, मारा नहीं, ऐसी ताड़ना हल्के से ऐसी की जाती है कि अच्छी आवाज आए उसमें से। जी 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 जी, चाहे ढोल हो चाहे तबला हो, इस ढंग से कि जिससे मधुर आवाज निकले, कर्णप्रिय आवाज आए, अपने को जो पसंद आए उस ढंग की आवाज निकले। उसी ढंग से जो नौकर चाकर अपने हैं लेकिन गंवार, बुद्धि कमजोर है बेचारे, नहीं समझ पाते उतना, तो उनको थोड़ा ताड़ना देके, मतलब थोड़ा धमकी दे, हाँ, मतलब समझाते, समझाने के ढंग से उन्हें समझाया जा सकता। और तीसरा जो है प्यार से, हाँ, ढोल, गंवार, शूद्र हो गया, और पशुनारी। पशुनारी अभी देखिए कि पशु में हाथी भी आता है जी, गाय भी आती है जी, बंदर भी आता है जी, जिसको खोज के लोग पूजा करते हैं
मंगलवार और शनिवार को तो आप देखती हैं कि लोग बंदरों को खोज के उनको गुड़ चना खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, पूजते हैं। हाथी अगर मिल जाए शादियों में, तो हम लोगों के यहाँ पहले हाथ द्वार पूजा में पहले हाथी की पूजा गणेश जी की पूजा करके, हाथी की पूजा करके फिर आगे का कार्यक्रम शुरू। तो हम पशु हैं, क्या हम उनको प्रताड़ित करते हैं? नहीं, पूजा करते हैं। पूजा और गाय, गाय कितनी दूध, घी, गोमूत्र, गोबर, इतने सब तत्व तो भरे हैं उसमें, औषधीय तत्व तो हैं अपने शरीर के उपयोगी। ऐसी चीज देने वाली गौ माता को हम प्रताड़ित करेंगे? नहीं, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा है। और नारी हमारी माँ है, हमारी दादी थी, पत्नी, बेटी, बहू, सभी तो नारी वर्ग में हैं। तो क्या हम उनको प्रताड़ित करते हैं? हम तो पूजा करते हैं नारी, पत्नी की बात, पत्नी को लक्ष्मी मान के शादी के समय पति वचन देता है और उनकी पूजा करके अपने घर लाता है। लड़के का पिता बहू की पूजा लक्ष्मी के रूप में करता है। हम लोगों के यहाँ उसको परिछन बोलते हैं, परिछन करके, पूजन करके। समझो एक एजेड आदमी लड़के का पिता, मतलब पति का पिता, ससुर अपना, ससुर हमको देवी मान के, लक्ष्मी मान के पूजा कर रहा है तो क्या वो प्रताड़ित करेगा कभी? नहीं, वो हमारे सोचने की, अर्थ निकालने की बात है, वो गलत है। तो हम लोग नारियों को भी पूजते हैं, महत्व देते हैं। तो यहाँ पशु को भी नहीं कहा गया है तुलसीदास जी ने, और नारी को भी नहीं कहा, पशु नारी को कहा है। पशु नारी, जो पशु वृत्ति की नारी है, नारी जिसको कोई ज्ञान नहीं है, हाँ जी, संस्कार नहीं है, हाँ, अच्छे बुरे का भेद नहीं उसको मालूम, हाँ जी, उसको हाँ, अप्रताड़ित करने का, मारने का नहीं, मतलब थोड़ा सा हाँ, उस वे से उसको समझा दिया जाए जिससे वो समझ सके अगला समझ पाए, हाँ जल्दी। तो तुलसीदास जी ने सिर्फ तीन ही को कहा है, ढोल को, दूसरा गंवार शूद्र, और तीसरा पशु वृत्ति वाली नारी जिसमें कुछ उचित अनुचित का बोध नहीं है, जो नहीं समझ पाती अपनी बुद्धि की वजह से कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या उसके लिए है, मारने के लिए नहीं है, सिर्फ उसको धमकी, मतलब समझा बुझा के। समझ आ रहा, आ गया समझ, काफी कुछ आ गया। इन चीजों से मैं बिल्कुल बेखबर थी, हाँ, अपना सभी ज्यादा तो लोग इसीलिए तो तुलसीदास जी का विरोध करना, रामायण रामचरितमानस का विरोध करना, यही चल रहा था। मैं समझ नहीं पा रही क्या क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा क्यों लोग कहते और अंधविश्वास में क्यों पड़े हुए हैं, है ना, ये अंधविश्वास ही तो है। इतने बड़े संत महात्मा तुलसीदास जी को क्या कोई गलत कह सकते हैं, गलत लिख सकते हैं? सवाल ही हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ, ऐसा हम उन्हें गलत समझने लग जाते हैं। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल बहुत कुछ आज मुझे कमल जी आपसे सीखने को मिला है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है आपकी वजह से। धन्यवाद धन्यवाद कमल जी। तो अब मैं कॉफी पीने का हकदार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दे ताली चल जी। आपने कहा था कि मैं अपने वचन की पक्की हूँ कमल जी, ये याद रखिए। अरे भाई हंसी मजाक, पहली मीटिंग में अदरक वाली चाय हो गई, सेकंड मीटिंग में कॉफी हो जाए, है ना, और थर्ड में, थर्ड में अब क्या सुनाएंगे थर्ड में आप, तो निर्भर है उस पे, या कोल्ड ड्रिंक, ठंडा दूध, पिस्ते वाला दूध, लस्सी, थर्ड वाले में तो रामचरित मानस के बारे में ही है। अच्छा अच्छा, कोई प्रश्न पूछता है कि ये क्या है? अच्छा, तुलसीदास जी ने कविता की पांच विधाओं से तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को लिखा है, उसका विवरण है। मैं बोल दूं कमल को? हाँ, बोल कमल बेटे, दो कॉफी बना देना बेटे। हाँ जी हाँ।